हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव जूम्स। चलिए आपको ले चलते हैं अपने घर के गार्डन में। ये हमारा मैंगो ट्री है, ऑर्गेनिक मैंगो ट्री। इसमें से हमने दो ही आम तोड़े हैं, तो आज हम आपके लिए एक अच्छी सी आम यानी मैंगो की रेसिपी बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें चाहिए मैंगो, बफेलो मिल्क, मिल्क मेड। हमने यहाँ पर मैंगोज़ को 2-3 घंटे सोक करके रखा था पानी में, और उसके बाद हमने अच्छे से वॉश करके इसे यूज़ किया है। तो अब हम कढ़ाई में पहले दूध छान रहे हैं अपना। तो यहाँ पे हमने अपनी गैस कर ली है ऑन, और अब आपको इसे कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा। थोड़ा 15-20 मिनट्स आपको इसे चलाना पड़ेगा। बेसिकली हमारी रेसिपी बन रही है मैंगो शाही, जिसके लिए हमें रबड़ी की प्रिपरेशन चाहिए। तो रबड़ी के लिए आपको दूध को कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है, जिससे कि उसकी मलाई ना आए। तो उसके लिए आपको ये अच्छे से हर कॉर्नर से, हर साइड से अच्छे से चलाना पड़ेगा 15-20 मिनट्स तक सिम गैस पे। तो हम थोड़ी देर ये चलाएँगे अब। आप देख सकते हैं 15-20 मिनट्स तक हमने इसे चलाया है, और दूध हमारा पहले से थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा गाढ़ा हो गया है, साइड से लग रहा है। हम इसे साथ साथ हटाते जा रहे हैं, आपको भी यही करना है। अब हम डालेंगे इसमें कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालते टाइम भी आपको अपना दूध कंटिन्यूसली स्टर करना है, मतलब चलाना है, तो आपकी रबड़ी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए कितनी अच्छी हमारी रबड़ी बनी है। ऐसे ही आपको ये कढ़ाई से हटाते हटाते कंटिन्यूसली चलाते चलाते आपको ये टाइप, इस टाइप की कंसिस्टेंसी मिलेगी। अब हम अपनी रबड़ी को एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने ऑलरेडी मैंगोज जो थे हमारे उन्हें चॉप करके रखे हुए हैं, रबड़ी हमने निकाल ली है। तो अब हमें चाहिए पिस्ता चॉप, इलायची दाना पिसा हुआ, मैंगो और हमारी रबड़ी। तो अब हम इसे करेंगे सर्व। अब हम अपने बाउल्स में सर्व करना शुरू करेंगे। हमने ऑलरेडी मैंगोस काट के अपने फ्रिज में रख दिए थे ठंडे होने के लिए। सेम हमने अपनी रबड़ी को भी निकाल के फ्रिज में रख दिया था ठंडे होने के लिए। तो अब हम पहले फर्स्ट लेयर, हम लेयर्स में सेटिंग करेंगे क्योंकि। तो हमने बाउल में आप देख सकते हैं पहले हमने रबड़ी फैलाई है, डाली है, सर्व की है। तो इसको आप अच्छे से अपनी कटोरी के हिसाब से एक लेयर अच्छी से अपनी रबड़ी डालिएगा। फिर आप आपके चॉप्ड मैंगोज़ यूज़ कीजिए सेकेंड लेयर। फॉर द सेकेंड लेयर आपने अपने मैंगोज़ यूज़ करे हैं, देखिए कितने अच्छे से फाइनली चॉप्ड हैं। मेसी मत कीजिएगा मैंगोज़ को। अच्छा, आप उतना ही मैंगो डालिएगा अपनी सेकेंड लेयर में भी, जितना आपकी रबड़ी के साथ हर बाइट में आ सके, बिकॉज़ इट विल गिव अ वेरी गुड टेस्ट। जितना आप लेयर्स बनाएंगे अच्छे से, उतने अच्छे से आपका ये सेट होएगा। हमें लेयर्स बनाने के बाद भी, इसको सेट करने के बाद भी, सर्व करने के बाद भी हम इसे फ्रिज में रखेंगे फॉर 10-20 मिनट्स, जिससे कि अच्छे से सेटल हो जाए और ये इसका और अच्छे से ठंडा होके टेस्ट और अच्छा आए। आप देखिए हम कैसे सर्व कर रहे हैं फॉर द सेकेंड लेयर। सिर्फ टॉपिंग करना है आपको थर्ड लेयर में। फिर आप अपने चॉप पिस्ता जो आपने ऑलरेडी पतले पतले काट रखे हैं, आप वो यूज़ कीजिए फॉर द सर्विंग, फॉर द ड्रेसिंग सॉरी। और उसके बाद आपने जो इलायची दाना पिसा हुआ है, आप उसे हल्का सा ऊपर से स्प्रिंकल कर लीजिए। इट विल गिव अ वेरी गुड टेस्ट। तो अब हमारी डिश हो चुकी है तैयार। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडे होने के लिए 15-20 मिनट्स, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक।
लुक हाउ डिलीशियस इट लुक्स। प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी मैंगो शाही। थैंक यू।